यह है मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले चार दुर्भाग्यशाली खिलाड़ी। तीन बार की इंडियन प्रीमियर लीग IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस को IPL की कुछ सर्वाधिक सफल टीमों में एक माना जाता है। मुंबई इंडियंस के लिए कीरोन पोलार्ड कई सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही लसित मलिंगा ने मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की कमान संभाली है। लेकिन इस टीम में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे जो मुंबई इंडियंस के लिए दुर्भाग्यशाली रहे, किंतु इन खिलाड़ियों को जब अन्य IPL टीम में चुना गया और खेलने का मौका दिया गया तो उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। आज हम ऐसे ही चार क्रिकेटर के बारे में जानेंगे जो मुंबई इंडियंस के लिए दुर्भाग्यशाली रहे। एक, युजवेंद्र चहल। IPL में युजवेंद्र चहल 2011 से लेकर 2013 तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे हैं। हालांकि युजवेंद्र चहल को मुंबई टीम में वह लाइमलाइट नहीं मिली जो उन्हें बेंगलुरु की ओर से खेलने के बाद प्राप्त हुई। मुंबई इंडियंस की टीम में युजवेंद्र चहल को ज्यादा मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिल पाया। यदि युजवेंद्र चहल को मुंबई की ओर से नियमित रूप से खेलने का मौका दिया जाता तो वे बहुत पहले ही टीम इंडिया में अपनी जगह बना सकते थे। दो, ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल को मुंबई टीम ने 2013 के सीजन में अपनी टीम का हिस्सा बनाया, किंतु उन्हें सिर्फ 3 मुकाबले खेलने का मौका दिया गया। मुंबई इंडियंस की ओर से खेले गए तीनों मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 36 रन ही बनाए, जिसके कारण अगले सीजन उन्हें टीम में वापस नहीं लिया गया। ग्लेन मैक्सवेल को अगले सीजन पंजाब की टीम द्वारा चुना गया, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 अर्धशतक सहित 1000 से अधिक रन बनाए। 3, धवल कुलकर्णी। 2008 के बाद लगातार 6 सीजन में धवल कुलकर्णी को मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से चुना गया। धवल कुलकर्णी ने मुंबई की ओर से 30 से अधिक मुकाबले खेले, किंतु उन्हें नियमित रूप से टीम में खेलने का मौका नहीं दिया गया, किंतु उन्हें यहां मौका राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दिया गया। 4, अजिंक्य रहाणे। पहले शुरुआती 3 IPL के सीजन में मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रहे हैं, किंतु इस दौरान अजिंक्य रहाणे टीम में अपनी जगह नियमित रूप से पक्की नहीं कर पाए। अजिंक्य रहाणे को IPL के तीनों सीजन में सिर्फ 10 मुकाबले खेलने का मौका दिया गया, किंतु अजिंक्य रहाणे का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। इन मुकाबलों में अजिंक्य रहाणे ने कुल 148 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। 2011 में IPL सीजन के दौरान अजिंक्य रहाणे को राजस्थान रॉयल्स टीम में लिया गया, जो वर्तमान में उस टीम के कप्तान है। अजिंक्य रहाणे ने राजस्थान रॉयल की ओर से 80 मुकाबलों में 2000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 16 अर्धशतक और 1 शतक शामिल हैं। अगर अजिंक्य रहाणे को मुंबई इंडियंस की ओर से उचित बल्लेबाजी क्रम में मौका दिया जाता तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते थे।